एवरीवन, वेलकम है आपका मोटर अहेड में। आज सुजुकी ने लॉन्च करी है द ऑल न्यू एज मारुति सुजुकी बेलेनो। अब ये कार पहले से ऑलरेडी नंबर वाइज देखा जाए तो काफी ज्यादा धूम मचा चुकी है हमारी मार्केट में। इसके सेल्स नंबर काफी अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हर 3 मिनट में एक बेलेनो बिकती है। तो ये एक प्रीमियम लुक है, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें सब कुछ पहले से नया है, इसका चैसी, इसका इंजन, इसकी ब्रेकिंग, इसकी सस्पेंशन और कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं क्या क्या नए चेंजेस हैं और क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं नई हैचबैक से। तो अगर सामने से देखें तो न्यू बेलेनो जो है इसमें आपकी पूरी फ्रंट LED DRLs दिए हुए हैं। अब तो ये थोड़ा प्रीमियम है कि इसमें LED DRLs आ गए हैं आपके 3 पॉइंट्स में। पहले सिर्फ एक सिंगल लाइट थी। इसकी ग्रिल भी कम्प्लीटली चेंज हुई है, विच इज़ ऑब्वियसली बेटर फॉर बेटर एयर फ्लो। आपके फॉग लैम्प्स नीचे आ गए हैं। तो सामने से देखने में गाड़ी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लगती है। अब अगर साइड से देखें तो इसका जो शोल्डर है और कैरेक्टरिस्टिक लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, बोल्ड है और दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। स्पेशली अगर मैं थोड़ा सा दूर से देखूँ तो इसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम अच्छी प्रीमियम हैचबैक की तरह ही लगती है। साइड्स अगर आप देखोगे तो इसकी 16-inch alloy व्हील्स हैं जो दिखने में अच्छे हैं। आपके ORVMs पे भी इंडिकेटर दिए हुए हैं। एक और प्रीमियम फीचर जो इस गाड़ी में वो है आपका टच बटन ओपन हैंडल बार्स, जो प्रीमियम हैं, अच्छे हैं। साइड से जैसे कि मैंने कहा कि इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और एकदम एक लिक्विड फ्लो में फ्लो करता है, काफ़ी फ्लो कर रहा है डिज़ाइन, तो देखने में अटपटा नहीं लग रहा है, दिखने में गाड़ी अच्छी है। और रेयर में भी इसके नई LED DRLs हैं, थोड़ा कर्व यहाँ तक दिया हुआ है। अगर मैं सिर्फ ये पोर्शन हटा दूंगी तो लगेगा कि ये पहले जैसी बेलेनो है, बट उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है। हमारे इंडियंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है बूट स्पेस, तो आइए चेक करते हैं इसकी बूट स्पेस कितनी है। आई थिंक काफ़ी स्पेशियस है आपकी डेली ड्राइव्स के लिए, वीकेंड गेटअवेज के लिए भी कर सकते हैं आप इसको यूज़। इसके पीछे काफ़ी अच्छा यहाँ क्रोम की बाइफिकेशन दी हुई है आपके विंडो और मिरर पेन पे। इस पर स्पॉइलर भी दिया हुआ है जो गाड़ी को थोड़ी सी प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है। अब गाड़ी की स्पेशलिटी हमेशा पता चलती है उसके इंटीरियर से और उसके कंफर्ट से कॉकपिट में बैठ के, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं तो काफ़ी प्रीमियम है। आप इसमें डुअल टोन डैशबोर्ड दिया है आपका, यहाँ पे थोड़ा लेदरेड है, ये आपका स्टेयरिंग व्हील में भी लेदर है, काफ़ी प्रीमियम लुक है। इसके बटन्स की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है गाड़ी में, तो इसमें काफ़ी नए टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं। स्पेशली आप इसका HUD डिस्प्ले, ये मेरा फेवरेट डिस्प्ले है इस गाड़ी में, आपको सारी लेटेस्ट टेक इसमें मिलेगी। इसका नया 9-inch का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बाकी आपके बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो हिल कंट्रोल है, ESP है और सीट बेल्ट मैंने आपको बता दी इसमें ऑलरेडी है ही, 6 एयरबैग्स है इसमें आपका। आइए होम पे आके देखते हैं आपका, आप अपना फ़ोन ऑब्वियसली कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। इसमें एंड्रॉयड और एप्पल कार प्ले भी है, अभी वायरलेस नहीं है बट मारुति ने बोला है कि नेक्स्ट अपडेट में वो इसको वायरलेस भी बनाएगी। आप यहाँ से अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसकी टच स्क्रीन की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। ब्लूटूथ, USB, सेटिंग्स, आपकी सारी सेटिंग्स हैं, तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। एवरेज अभी कंपनी कह रही है कि 22.3 लीटर है, बट उसके बारे में मैं बात करूँगी जब मैं इसको चलाऊँगी। आपके इसका AC स्विच ऑन एंड ऑफ बोर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। सो ये डैशबोर्ड भी थोड़ा सा नया है। अब आप इसके गियर लीवर की बात करेंगे तो इसमें भी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, सारा यहाँ पे लेदरेट है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और काफ़ी स्पेस है आपके डेली सामान के लिए। आर्मरेस्ट भी दिया गया है, तो गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो अपॉल्स्ट्री भी अच्छी है, गुड क्वालिटी लग रही है। स्कर्प्टेड सीट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि आराम से कंफर्टेबली बैठ के मैं लॉन्ग ड्राइव्स पर भी जा सकती हूँ। तो प्रीमियम हैचबैक की जो ज़रूरत थी मारुति से वो अब आ चुकी है। तो ये तो था कॉकपिट, आइए देखते हैं रेयर सीट कितनी स्पेशियस है। मैं रेयर से देखूं तो भी गाड़ी में काफ़ी अच्छी स्पेस है, आई थिंक 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बीच में चाइल्ड आ सकता है, तो मतलब 3 लोग थोड़ा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अच्छा रूम, लेग रूम है, हेड रूम है, पीछे 2 AC एयर वेंट्स दिए हुए हैं, पीछे 2 अपना फ़ोन चार्ज करने के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, सी टाइप भी है, तो आई थिंक
सब लोग इवॉल्व कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो ऑब्वियसली मारुति को तो सबसे आगे आना ही है। मुझे पता है इंडियंस को एसयूवी गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर हम ट्रैफिक की बात करें और इंडियन स्पेस की बात करें रोड पे, तो एक कॉम्पैक्ट गाड़ी की हमें ज़रूरत है और ये एकदम खड़ी उतरती है, प्रीमियम कॉम्पैक्ट हैचबैक कार। ये गाड़ी दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड और AGS स्पीड, इसमें ऑटोमेटिक अभी नहीं है और ये सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल और कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल CNG की अभी बात नहीं है। गाड़ी की नई टैगलाइन है टेक गोज बोल्ड, यानी कि इस गाड़ी पे स्पेसिफिकली मारुति ने टेक पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं, जैसे कि इसका 360 डिग्री कैमरा जो ऑब्वियसली हमारे को पार्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें एक HUD डिस्प्ले भी दिया हुआ है जो आप सामने देख के गाड़ी चला सकते हैं और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। सेफ्टी में मारुति अक्सर खड़ी उतरती है और इस बार भी काफ़ी अच्छी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग्स हैं, हिल कंट्रोल है, ESP है। नई बलेनो लॉन्च हुई है 6 एक्साइटिंग न्यू कलर्स में, नेक्सा ब्लू, बेज, ग्रे, ऑप्यूलेंट रेड, स्प्लेंडेड सिल्वर और आर्कटिक व्हाइट। ये न्यू एज बलेनो सिर्फ एक फेसलिफ्ट ही नहीं है गाड़ी का, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेगमेंट फर्स्ट हैं और न्यू फीचर्स हैं। इसमें आपकी चैसी न्यू है, आपका ब्रेक, सस्पेंशन, टेक्नोलॉजी, काफ़ी कुछ नया है इस गाड़ी में, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये है प्रीमियम हैचबैक न्यू एज। और ये गाड़ी मारुति ने लॉन्च करी है इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, 6,35,000 से शुरू होती है इसका बेस मॉडल, जो कि काफ़ी अच्छा है, एक अच्छे कंपटीशन में आता है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। इंडिया में जहां आजकल सब लोग SUVs खरीदना चाह रहे हैं, वहां मारुति ने लॉन्च करी अपनी प्रीमियम हैचबैक, और उनका कहना ये है कि उनके कस्टमर्स और इंडियन मार्केट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हैचबैक की, इसलिए उन्होंने हैचबैक निकाली है और SUVs भी आने वाले समय में मारुति लॉन्च करेगी। अब ये हो सकता है एक प्रीमियम प्रोडक्ट मारुति का जो उसको अनदर लेवल पे लेके जा सके, स्पेशली आज की डेट पे जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा हिचकिचाकर चल रही है। लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए, स्पेशली इसका डिज़ाइन, नई टेक्नोलॉजी और जिस प्राइस पे वो अवेलेबल है, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। थैंक यू और देखते रहिए मोटर हेड, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है।